क्या आप जानते हैं बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में 3-पिन प्लग और छोटे डिवाइस में 2-पिन प्लग ही क्यों यूज होते हैं? 3-पिन प्लग में जो ऊपर वाली पिन होता है वो बाकी दो पिनों से थोड़ा सा लंबा और मोटा होता है। पर ये क्यों होता है? दरअसल ये लंबा पिन आर्थिंग पिन होता है, जिससे अगर मेटल बॉडी में कोई लीकेज करंट हो तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक से बचा सके। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सॉकेट में पिन डालते वक्त सबसे पहले आर्थिंग पिन ही इंसर्ट होता है और उसके बाद बाकी के दो पिन, जिससे वो पहले ही इंसुलेटर फेलियर के रिस्क भी टाल देता है। और वहीं दूसरी तरफ जो डिवाइसेस लो करंट पे ही ऑपरेट हो सकता है, जैसे कि मोबाइल चार्जर, टीवीज, डीवीडीज, इन डिवाइसेस के लिए 2-पिन प्लग ही यूज होता है, क्योंकि इनका कंस्ट्रक्शन काफी सिंपल होता है और पहले से ही इन 2 पिन्स में डबल इंसुलेटर होने की वजह से यहां आर्थिंग पिन की कोई जरूरत नहीं पड़ता है।